डीजे बजाने के विवाद में बारातियों से कर दी मारपीट, चौकी के बाहर एफआईआर की मांग को लेकर दूल्हा दुल्हन बैठे धरने पर, पुलिस चौकी के बाहर चला दो घंटे ड्रामा, जब एफआईआर हुई तब उठे दूल्हा दुल्हन, एफआईआर के लिए दूल्हा दुल्हन का चौकी के बाहर धरना। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव में आई दलित समाज की बारात में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने बारात में शामिल दलित वर्ग के बारातियों व दूल्हे के साथ मारपीट कर दी। इस विवाद में दलित समाज के दूल्हे के साथ अभद्रता करते हुए दूल्हे के ऊपर धूल मिट्टी फेंक दी थी। इसके अलावा कुछ बारातियों से मारपीट भी की गई। इस मारपीट के बाद नाराज दलित समाज के लोग दूल्हा दुल्हन के साथ पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, साथ ही मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस विवाद में सबसे बड़ी बात ये रही कि दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले इस मामले में थाने के सामने कार्रवाई की मांग को लेकर बैठ गए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव से ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई हुई थी। इस बारात में डीजे बज रहा था और बाराती नाच रहे थे। इसी बीच बारात गांव के पाल समाज के मोहल्ले से होकर गुजरी तो यहां पर डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। दलित समाज के बारातियों का आरोप है कि पाल समाज के कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे। जब डीजे बंद नहीं किया तो इससे पाल समाज के लोग भड़क गए और दूल्हा ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंक दी थी। इसके बाद बारातियों से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद के बाद पाल समाज के लोगों ने पहले पिछोर थाने में पहुंचकर अपनी ओर से एफआईआर करा दी। जब इसकी सूचना दूल्हा पक्ष के लोगों को लगी तो वह बाराती और दूल्हा दुल्हन को लेकर हिम्मतपुर पुलिस चौकी पर पहुंच गए, जहां दूल्हा ब्रजेश जाटव दुल्हन प्रियंका पुलिस चौकी के सामने बैठ गए। इन दोनों ने अपने पक्ष के लोगों के साथ चौकी पर धरना शुरू कर दिया और बारातियों के साथ मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चौकी के बाहर दो घंटे तक ये नाटक चला। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और एफआईआर दर्ज की गई और धरना खत्म हुआ। शिवपुरी से एसबी न्यूज संवाददाता अतुल जैन की खास रिपोर्ट। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम वो मरने वाला है। एक बात बताओ, हमारा तो दिखाओ, मरने वाला है वो। एफआईआर नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी क्या यार? उनको अंदर बैठा, बंद हो जाते, बंद हो जाते, तुम लोग एफआईआर होंगे, मरने वाला है वो। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैलेंज जाटव है, मैं ग्राम उदगवा से आया हूँ, जिला जी। आप यहाँ पे अभी जाम लगाए हो अहमदपुर चौकी पे, क्या मामला है और रात में क्या हुआ था? है कि हम बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना उससे भाई बरातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बरात को मारा गया, दूल्हे को घोड़ा पे उतारा गया और हमारा डीजे भी फोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद बरात पहुंची तो अभी बरात का टीका नहीं लगाया, देख सकते हैं दुल्हन भी यहीं पर है। और उसके बाद हमारी जब बरात घर जा रही थी खाना खाने के बाद तो बाल समाज के युवकों ने एकांतर में जाकर फिर लगातार यानी कि 10 और 12 लोगों को मारा और हमारी 4-5 गाड़ी जो है कि बिल्कुल तोड़ दी और 3-4 लोग हमारे घायल हुए हैं, वो कट्टे से फायर भी किया गया। और यहाँ पर हम लगातार 4 घंटे से चौकी पर खड़े हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और लगातार जो यहाँ पे थाना प्रभारी जी हैं अपशब्द बोला जा रहा है, यानी बोलने की कोई मर्यादा नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर मैं लठ बजाना भी जानता हूँ, मैं गोली चलाना जानता हूँ, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बिल्कुल खुश है ही नहीं। हमारी मांग ये है कि एसपी साहब यहाँ पर आए और मुद्दे का पूरी जानकारी ले और तत्काल कार्रवाई करें और एफआईआर एसटी एक्ट का उस पर मुद्दा रखें।